हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिसंबर 2022 टॉम एंड एग्जामिनेशंस के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिए गए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में इस बार काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा नहीं करवा पाए, क्योंकि दोस्तों आपके काफ़ी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे थे जिन्हें कि इग्नू की तरफ से इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया था। सो इसके लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को इग्नू की तरफ से एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा, और फाइनली इग्नू की तरफ से आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आपने देखा होगा बाकी यूट्यूब चैनल्स पे आपको असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड एक अलग वीडियो मिलेगा, फिर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड अलग वीडियो मिलेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है इसके लिए अलग वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको आज की इस वीडियो में ये सारी बातें एक ही साथ मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है, इसका नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिए। इसे कल ही की तारीख में 30 सितंबर को इग्नू की तरफ से जारी किया गया है। एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स फॉर टॉम एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स बोथ इन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से हार्ड कॉपी जमा करने के लिए बोला गया है तो आप उन्हें हार्ड कॉपी में जमा करवाएंगे, अगर सॉफ्ट कॉपी के लिए बोला गया है तो आप उन्हें सॉफ्ट कॉपी में जमा करवाएंगे। इसके लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड करके अभी 31 अक्टूबर तक कर दिया गया। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारे असाइनमेंट सबमिशन के लिए तो ऑलरेडी 31 अक्टूबर की ही लास्ट डेट दी हुई थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं इग्नू के जिनके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 15 सितंबर या फिर 30 सितंबर की लास्ट डेट दी गई थी, उसे अभी एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक कर दिया गया। सो आप अभी अपने असाइनमेंट्स 31 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली टिप्स गुरु से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी चलते हैं आपके दिसंबर 2022 टॉम एंड एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज किया गया है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। अगर आप इसका पेज डायरेक्टली अपने मोबाइल में, कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी। इसी में लास्ट में यहाँ अलर्ट्स में दिया हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2022 टॉम एंड एग्जामिनेशन। आप इस लिंक को क्लिक करके और एग्जामिनेशन फॉर्म वाले पेज में आ जाएंगे, कुछ इस टाइप का पॉपअप आपके सामने शो करेगा, क्योंकि इससे पहले जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते थे उस टाइम पे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते थे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्या आपके बैक आई है तो आपको यही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है या अलग से कोई एग्जामिनेशन फॉर्म जारी किया जाएगा। इस तरह के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इस बार इग्नू की तरफ से सब क्लियर कर दिए गए। इस मैसेज में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी फर्स्ट ईयर में अपना न्यू एडमिशन करवाया है या फिर सेकेंड या फिर थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया है जनवरी 2022 सेशन में, वो सभी स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो सभी दिसंबर 2022 टॉम एंड एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया है कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन में किसी भी डिप्लोमा या PG डिप्लोमा प्रोग्राम में अपना एडमिशन करवाया है तो वो भी दिसंबर 2022 टॉम एंड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी सर्टिफिकेट या PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए जुलाई 2022 सेशन में अपना एडमिशन करवाया है वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन्हें बैकलॉग सब्जेक्ट्स कहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपके कोर्सेज सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाए या आप जिनके लिए अपीयर नहीं हो पाए उनके एग्जामिनेशन फॉर्म को आप अभी फिलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरीके से ये पूरी जानकारी
बताई गई है आपके कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए। अभी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी बातें बताई गई है उनको कवर करते हैं। सबसे पहले तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट डेट दी गई है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक बिना किसी लेट फीस के आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसके लिए आपको 1100 रुपये लेट फीस पेमेंट करनी होगी। आपके एग्जामिनेशंस मोस्ट प्रोबेबली 2 दिसंबर से स्टार्ट होकर और उन्हें 5 जनवरी तक कंडक्ट किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। साथ ही दोस्तों आपके हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 200 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है। एक तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है जिस भी प्रोग्राम के लिए वो वैलिड होना चाहिए और उनके असाइनमेंट्स आप जमा करवा चुके हैं। इसके अलावा जो मिनिमम टाइम पीरियड है किसी भी कोर्स के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे क्लास ऑफ एग्जाम्स के बारे में बताया गया है कि ग्रुप नंबर 1 to ग्रुप नंबर 6 ये एक ही ग्रुप के कोर्सेज हैं, सो इन्हें क्लास सब्जेक्ट्स में या क्लास एग्जामिनेशंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर इसके अलावा आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं या कोई इस तरह की क्वेरी है तो आप इग्नो से इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, जो कि आपको आगे मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे वहाँ पे जो रीजनल सेंटर का ऑप्शन रहता है उसमें आप खुद का रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि आप किसी अलग जगह पे अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना चाहते हैं। आप जो भी रीजनल सेंटर सेलेक्ट करेंगे उसी के एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको वहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। इसलिए जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना चाहते हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर जिस रीजनल सेंटर के अंडर आता है वही रीजनल सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, अगर वो लिस्ट में शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए मेल आईडी दी हुई है registrar.sr@igno.ac.in, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के टाइम पे वहाँ पे HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक का ऑप्शन मिलेगा, आप दोनों में से किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट करके और अपना पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप किसी भी तरीके से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का फीस पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप एक बार जो अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म फीस पेमेंट कर देंगे वो ना ही तो कहीं पे एडजस्ट की जाएगी और ना ही उसे रिफंड किया जाएगा, इसलिए आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे इन सभी बातों का ध्यान रखें। जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके और वहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किए हैं उन सभी का एक समरी दिखाया जाएगा। अगर उसमें कोई भी चेंजेस है तो आप बैक जाकर उन्हें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ी पेमेंट करने के बाद में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में बताया गया है कि जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड लास्ट में ओपन होगा आप उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं। अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में विद इन 72 आवर्स आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद में आप उसे चेक कर सकते हैं। जो भी टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक एयर को क्लिक करके और जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक एयर को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे जिस रीजनल सेंटर में आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में अगर आप नोएडा रीजन में अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली 2-3 लेटर्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में सबमिट को क्लिक करेंगे तो नोएडा में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने शो करेगा। इसी तरीके से आप अगर दिल्ली के अंदर ही देखना चाहते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं तो इनके लिए आप दिल्ली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दे दिया गया है। लास्ट ईयर यहाँ पे एड्रेस नहीं दिए गए थे तो इस बार पहले ही एड्रेस दे दिए गए, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप अपने नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट कर पाएँ। इसके बाद में आपको बताया गया है कि आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। आपकी हॉल टिकट के बारे में बताया गया है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे उससे 7 से 10 दिन पहले इग्नू की वेबसाइट पे आपके होल टिकट्स को अपलोड कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप जब अपने एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे उस टाइम पे आपके पास में इग्नू का होल टिकट और इग्नू आईडी कार्ड होना कंपलसरी है।
साथ ही दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप एक बार होल टिकट जनरेट हो जाती है उसके बाद में अपने सब्जेक्ट्स एड ऑन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में लास्ट में सिंपली आप यहाँ पे डिक्लेरेशन के पास में एक स्मॉल बॉक्स दिया हुआ है, इसे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। इस बार इग्नू की तरफ से आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का पेज है इसे भी चेंज कर दिया गया। सिंपली आपको यहाँ पे अपने 9 या फिर 10 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर इंटर करने हैं, उसके बाद में आपको अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना होगा। इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी की लिस्ट इसी पेज में दी हुई है। इसके बाद में आप जिस एग्जामिनेशन सेंटर में अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना चाहते हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर जिस रीजन में जिस रीजनल सेंटर के अंडर आता है वो रीजनल सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में ये जो नीचे सिक्योर कोड आपको दिया होगा वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद में आप सबमिट को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपकी सभी डिटेल्स कुछ इसी टाइप से ओपन हो जाएंगी। इस पेज में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर वो सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे शो करेगा जो आपने रीजनल सेंटर वहाँ पे सेलेक्ट किया है। सो आपके पास में जो भी नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो आप यहाँ पे यस या नो को क्लिक करके और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद में आपसे जेंडर पूछा गया है, आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे पूछी गई है, आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले डेट सेलेक्ट करनी है, डेट सेलेक्ट करने के बाद में मंथ सेलेक्ट करना है और फिर ईयर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करने होंगे, आप दोनों को टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में आपसे पूछा गया है आर यू ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांगजन है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देंगे, अगर आप दिव्यांगजन नहीं है तो इसके लिए नो को सेलेक्ट कर देंगे। आधार कार्ड नंबर लिखना यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर ना लिखें। फिर आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करेंगे, जिन भी सब्जेक्ट कोड्स के लिए या जिन भी कोर्सेज के लिए आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर देंगे। एक बार में आप मैक्सिमम 16 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक करके अपने सभी सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके एग्जामिनेशन के लिए आप अभी अपीयर करना चाहते हैं। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है सबमिट, आप जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका एक प्रीव्यू शो करेगा या समरी शो करेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है। आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे लिखी होंगी और साथ ही आपके मोबाइल नंबर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया है उसका कोड दिया रहेगा और कितनी फी पेमेंट करनी है वो भी यहाँ पे मेंशन किया होगा। इसी पेज में आपको लास्ट में पूछा गया है कि आप कौन से वाले ऑप्शन से अपना फी पेमेंट करना चाहेंगे, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक, दोनों में से आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में पे नाउ को क्लिक करके और आप अपना फी पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी गलतियाँ यहाँ पे नज़र आती हैं जिन्हें आप ठीक करना चाहते हैं, तो बैक के ऑप्शन से आप बैक जाकर फिर से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पे नाउ को क्लिक करके आप अपनी एग्जामिनेशन फीस पेमेंट कर देंगे। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद में आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपके लिए एक रेफरेंस नंबर दिया होगा, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं और उसके बाद में विद इन 72 आवर्स में आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, उसके लिए जो मिनिमम चार्जेस होंगे वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपको किसी ने भी ये नहीं बताया कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। और ये सभी जानकारियाँ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टिप्स गुरु इग्नू पे भी मिलती रहेगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे अहेड।